तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट का मेन मकसद ये था कि फ्रेंड्स, आजकल खेत में फार्मर लोग जब अपनी फसल लगाते हैं तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसल ख़राब हो जाती है। और फ्रेंड्स, मतलब बारिश होती है, खेत में पानी भर जाता है, फसल डूब जाती है और वो सड़ जाती है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, जब गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो फ्रेंड्स, खेत का सारा पानी सूख जाता है फार्म का, और उसमें सूखा पड़ जाता है, उसके वजह से भी फसल ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों का सलूशन एक ही चीज़ में निकाला है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस मैंने प्रोजेक्ट बनाया है ये प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, यही प्रोजेक्ट में दोनों चीज़ का सलूशन है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, ये मेरा मतलब ये जो बॉक्स है, ये खेत है। और फ्रेंड्स, इसमें ये जो गिट्टी डाली है मैंने, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं मतलब और कुछ खेत दिखाने के लिए मेरे पास यही एक ऑप्शन था। और फ्रेंड्स, ये स्टिक्स, मतलब ये स्टिक जो है, ये दिखाती हैं कि ये फसल है मेरी, कोई भी चीज़ की फसल हो। तो फ्रेंड देख सकते हैं, मतलब इसमें यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी, मतलब फसल को इतना पानी ज़रूरत है कि वो आराम से उग सके। लेकिन फ्रेंड्स, होता क्या है, बारिश में ज़्यादातर पानी भर जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सिस्टम ये है कि यहाँ से ये वाटर पंप पानी डालेगा और फिर यहाँ से बारिश होगी, ये भर जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे ही ये भरेगा, इसको जितना पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी को यहाँ से, ये जो होल दिख रहा है फ्रेंड्स, ये वाला होल, ये फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये वाला होल, ये पाइप के थ्रू यहाँ पर वापस से वो सारा पानी कलेक्ट करेगा। तो इससे ये होगा कि ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो होल आपको दिख रहा है वहाँ पर, वो होल से कितना भी, मतलब चाहे कितना भी ये भर जाए, वो होल से सारा पानी इसमें का निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि चाहे कितने भी बारिश हो, ये वाले फार्म में सारा पानी जाके एक मतलब स्टोर होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब दूसरी सिचुएशन ये रहती है कि कभी सूखा पड़ जाए, मतलब कभी ज़्यादा धूप हो तो पूरा एकदम सूखा पड़ जाता है खेत। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें सबसे पहले तो खेत का सारा पानी निकालना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि सूखा पड़ रहा है। तो उसके लिए मैंने ये मैकेनिज़्म लगाया है, ये मोटर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोटर जैसे घूमेगा, ये वो ब्लू ब्लू कलर का वो घूम जाएगा गोल से, और ये पीछे आ जाएगा, और यहाँ पर एक होल है, तो वो होल के थ्रू इसका सारा पानी निकल जाएगा। तो इससे फ्रेंड्स, सारा पानी निकल जाएगा, तो ये मतलब दिखने लगेगा कि सूखा पड़ा है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर मैंने सेंसर तो नहीं, क्योंकि ये मैंने होम मेड बनाया है, इसमें फ्रेंड्स हर एक चीज़ होम मेड है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये मैंने सेंसर की जगह, ये देखिए फ्रेंड्स, एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है, और फ्रेंड्स ये एक मतलब प्लास्टिक का है जो वाटर पे फ्लोट कर सकता है। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बोल्ट लगाया है, और यहाँ पर एक वायर है, और ये बोल्ट में एक वायर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने टच किया है। तो ये जैसे ही पानी कम होता है और जैसे ही ये नीचे आके इसमें टच हो जाता है, तुरंत मतलब करंट पास होने लगता है। और फ्रेंड्स, ये दिखाता है कि जैसे ही मतलब पानी कम होगा, जैसे ही पानी कम होगा, ये इसमें टच हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कनेक्शन है, ये बैटरी है, और यहाँ पर ये मोटर है। तो ये मोटर, ये जो है, ये आयरन का मतलब जो नट है, ये इसमें आके टच हो जाएगा, और ये बैटरी एक्टिवेट हो जाएगा। और ये बैटरी, ये येलो कलर का जो आप वाटर पंप देख सकते हो, और इसकी ब्लैक कलर की ये पाइप, यहाँ से होल है, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर का होल है, यहाँ से पानी निकलने लगेगा। और फ्रेंड्स, अब ये रहेगा कि ये वाटर पंप भी उतना ही पानी देगा जितना खेत को ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने ये देखिए, ये रेड कलर का डिब्बी, और ये पूरा सेंसर, ऐसे मतलब सेंसर तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने होम मेड सेंसर बनाया है। फ्रेंड्स, ये करेगा कुछ ऐसे, ये डब्बी, मतलब ये जो डिब्बी है, ये भी वाटर में तैरती है, और इसके ऊपर एक बोल्ट लगा है, और एक बोल्ट, ये देखिए फ्रेंड्स, ऊपर ऐसे लटक रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बोल्ट ऊपर ऐसे लटकता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पानी कम होगा, ये डिब्बी नीचे जाएगी, और फ्रेंड्स, जैसे ही ये वाटर पंप पानी देने लगेगा, तो फिर से फ्रेंड इसमें वाटर भरने लगेगा, तो ये उतना ही पानी भरेगा। तो ये डिब्बी ऊपर जैसे नट में आएगी, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये जैसे इस तरफ घूमेगा, वाटर पंप चालू हो जाएगा। और फ्रेंड, जैसे वो डिब्बी, ये जो डिब्बी है, वो नट में टच कर जाएगी, तो फ्रेंड्स इसमें रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी आएगी मोटर में, तो ये इसके बजाय ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तो फिर वो फ्री हो जाएगा, तो वाटर पंप पानी देना बंद कर देगा। तो इससे क्या होगा, पानी उतना ही फार्म में लगेगा जितना उसको ज़रूरत है।